चना ने पप्पी शप्पी करके फोटो मेरे को भेज के बोल लेटेस्ट देख, मतलब जेलसी कराने के लिए मेरे को प्यार करते। अरे लेडी रचना शर्मा तुमको प्यार करती है ना तो 22 साल का संसार छोड़ के दूसरी शादी नहीं करती, वो तो समझ जाओ, सारे हिंदुस्तान समझ रही है, जो तुमको इतना ही प्यार होती ना तो दूसरी शादी नहीं करती और बच्चा भी पैदा नहीं करती, सब कुछ जबरदस्ती होती है। वो मेरे को प्यार से शादी किया, हाँ उसका अभी शर्म है क्योंकि उन्होंने तो क्या था, प्यार से शादी किया, प्यार से बच्चा पैदा किया, अभी शर्मम के वजह से उन्होंने अब यानी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब इधर नहीं रख पा रही क्योंकि उसका पापा ने बोल दिया मैं जाएगा से हर जगह से उसको बेदखल कर दिया है। अब उस आदमी क्या करेगी आप बताइए, उसका बच्चा जब उसके ऊपर हाथ उठाएगा क्या करेगी बताइए, तिवारी जी के ऊपर, हाँ उसके ऊपर हाथ उठाती है, उसको डायरेक्ट बोल दिया तू उस फैमिली को मानेगी तो हम तीनों जहर पी लूंगे और तेरे को तो देख लूंगी, तेरे को जेल भेज दूंगी। आप बताइए तो उस आदमी क्या करेगी, रह रही तो उसी घर में है ना, उसी घर में रह रही है ना, रे मेरे को रहने दीजिए हिंदुस्तान में, देखिए मेरा पति कैसे मेरे पास नहीं आती है, मैं अभी दिखा दूंगी सारे हिंदुस्तान को जो मेरे को प्यार से शादी किया है, कोई इत्तेफाक नहीं है ना, कोई जबरदस्ती है ना कोई यह है, वो मेरे को प्यार से शादी किया, वो मेरे को बोला था तेरे जैसे लड़की ही मैं चाहती थी, पापा मम्मी ने जबरदस्ती मेरे को रचना से शादी करा दिया, मैं रचना से शादी नहीं करना चाहती ना मैं उससे कोई प्यार थी, और वो शुरू से शादी के बाद से वो बाहर बाहर है। अब बताइए क्या सब प्यार है, उन्होंने तो 22 साल संसार छोड़ के मेरे को छोड़ के तो नहीं है दूसरी शादी नहीं किया, जब मैं उसको छोड़ दूंगी भाई मेरे को छोड़ के दूसरी शादी कर लिया नहीं है ना, मैं तो रचना शर्मा को इसीलिए ही जो उसके साथ गलत हुआ है इसीलिए तो बोलती हूँ, उसको भी रखो मेरे को भी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब रचना शर्मा का दिक्कत है क्योंकि मेरा पति मेरे से प्यार करती है इसीलिए तो उसका इतना दिक्कत है, नहीं तो वो क्यों नहीं यह करेगी, मेरे पास भी तो उनका औलाद है ना, बताइए मेरे पास भी तो उनका औलाद है ना, उसके पास भी 2 औलाद है, मैं नहीं चाहती हूँ जो तीनों बच्चा को उसका बाप डिवाइड हो जाए, तीनों साथ रहे मैं भी साथ रहूं, क्या है पति के साथ उसका कोई फिजिकल रिलेशन है ही नहीं तो क्या दिक्कत है रचना शर्मा का, 2 बच्चे हुए उनके ना, वो तो पहली हुई है ना, आप बताइए वो तो पहली हुई है, अभी तो उनके लगभग 5-7 साल 10 साल हो गया है उनके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, 2 साल से फिजिकल, हाँ उसके उसका प्रॉब्लम है, रचना शर्मा का प्रॉब्लम है ये सच है, चाहे वो जो मेडिकल प्रूफ देने के लिए बोलो रचना शर्मा को, वो ए सच्चे एकदम बिल्कुल सच्चे, क्योंकि मेरा पति हाँ भलाई मेरे को झूठ से शादी किया है, भलाई मेरे को यह किया है बट प्रूफ भी दिया है, रचना शर्मा के साथ उसका कैसा रिलेशन है, कैसा उनके साथ हो रही थी, कैसा उनका जिंदगी जा रही थी, सब मेरे को प्रूफ दिया है। अब मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, ऐसा मेरे को पति आके बोल दिया और मैं मान लूंगी हाय हाय मेरा पति तो चेंज हो गया, मेरा पति फ्रॉड हो गया, 2 साल में एक आदमी 2 साल में कभी इतना नौटंकी नहीं कर सकते, इतना प्यार जताने का नाटक नहीं कर सकते, आप भी एक आदमी है ऐसा नहीं हो सकती है, मैं कभी हर तक मैं बिलीव नहीं करूंगी, कभी नहीं, नेवर एवर बिलीव कभी नहीं करूंगी जो मेरा पति मेरे साथ इतनी बड़ी फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि उसका एक बेटा है मेरे पास, उसका एक बेटा है, उसका खून का रिश्ता है, उन्हें ऐसे नहीं कर सकती है, वो मेरे को बहुत प्यार किया ऐसा भी नहीं था। अब एक बात बताइए, प्यार नहीं करती जय रचना शर्मा, तेरे पास आ गया है तेरा प्यार आ गया है तो डिवोर्स क्यों नहीं देकर आया, मेरे आने के बाद क्यों डिवोर्स के बाद बोल रही है, क्योंकि रचना दबाव पे बोल रही है, फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला है मैं तेरे को जिंदगी में डिवोर्स नहीं दूंगी ना तेरे को कभी छोड़ूंगी, अभी भी कह रही है, अभी भी कह रही है, कब बात हुई थी, अभी बात हुई थी एक हफ्ता पहले जो एसीपी मैम के उधर, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बाजू में बैठ के मैंने उसको पूछा था कि अवस्था में तुम डिवोर्स देना चाहती हो, मैं जानती हूँ हम दोनों का, बोले नहीं नहीं ये तो नकली पेपर है तू देख ले, एसीपी के वहाँ पर, हाँ बोल रही है नकली पेपर है तू देख ले, ऐसे रचना को दिखाने के लिए मैं तो कभी डिवोर्स नहीं दूंगी ना मैं तेरे को कभी छोड़ूंगी, तेरे पास मेरा बेटा है फिर कहाँ रखूंगी कब रखूंगी, अरे अभी क्या है रचना शर्मा तो अभी मान नहीं रही है, उसको तो क्या है जब तक लात नहीं खाएगी तब तक नहीं मानेगी, क्योंकि उसको लग रही है मैं तो हिंदू हूँ वो भी हिंदू, अरे भाई वो तो धर्म चेंज कर दिया भाई, वो हिंदू नहीं है, तू चाहे जैसे भी करके प्रूफ कर वो हिंदू नहीं है, नहीं है नहीं है, वो मुस्लिम है, चाहे वर्ल्ड का कहीं भी राष्ट्र पे जाके तुम धर्म चेंज करोगी मतलब तुम जिस धर्म को अपनाया उसी धर्म का ही हो, अब हिंदुस्तान में भी मैं हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगी मेरा पति मुस्लिम है, मुस्लिम है, मैं उसका मुस्लिम पत्नी हूँ और मैं वैलिड हूँ क्योंकि मैंने मेरा सारे कागज ऑलरेडी मैंने जो यह है मेरा जो पेपर है निकाहनामा है सब कुछ है। रचना ने तो उल्टा सीधा बोल रही है वो जेलसी कराना चाहती है, अरे तेरे साथ इतना अच्छा ही रिलेशन होती ना मेरे औलाद पैदा नहीं होती, तेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन होती ना तेरे मेरा औलाद नहीं आती मेरे पेट में, आसमान से नहीं आया है, जा तू डीएनए कर ले तेरे को मन करे तो, आसमान से नहीं आया है तो प्यार से ही पैदा हुई है, तेरे को प्यार कभी नहीं किया है। और आप जो तू दिखावट कर रही है ना, देखिए लोगों का एक अलग तरीका होती है, क्योंकि कोई लोग होती है दिखावट करती है जैसे रचना करती है, आने के बाद इधर उधर घूम के पूरा रिश्तेदार को दिखा रही है मेरे साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन, अरे रिश्तेदार की रोटी नहीं खाती है, राइस नहीं खाती है रिश्तेदार, चावल नहीं खाती है, रोटी नहीं खाती है, उन लोगों का अंदर की कोई दिमाग नहीं है, दिख रही है लोग तेरे से इतना प्यार होती है, प्यार करते पप्पी लेते हुए फोटो भेजा है ना आपको, हाँ 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 तो प्यार तो हो रहा है ना,
अरे वो कोई प्यार नहीं है, आप जबरदस्ती आप बोलोगी जे अभी तुम पप्पी करो, अभी मैं सोनिया को भेज रही हूँ, वो तो करेगी ना मजबूरी से, क्या करेगी। वो मेरे को पहले ही बोल के आया था, सोनिया मेरा घर वाले ने रचना भी ऐसे फोन करके तेरे को बोलेगी तेरे को छोड़ दिया, मैं उससे प्यार करती हूँ, तू कभी मत मानना, क्योंकि उसके साथ प्यार होती ना तो तू नहीं होती मेरी जिंदगी में, औलाद पैदा नहीं होती तेरे को, मैंने प्यार से शादी किया, ये मत कभी तेरा मन में मत लेना जे मैंने तेरे को प्यार नहीं किया, मैं तेरे को यूज़ करने के लिए शादी किया, ऐसा नहीं है, मैं तेरे को प्यार से शादी किया, मैं फैमिली को बोल रही हूँ। हाँ, दो एक साल बाद वो मान लेगी, सब लोग मान लेगी, ऐसे भी मेरे को बोला है, तो ऐसे कैसे प्यार हो सकती है। अब रचना शर्मा को जाके पूछिए, भाई तेरे को इतना प्यार करती है तो दो साल में तेरा याद नहीं आया, दो साल में तेरा पप्पी करने का मन नहीं किया, दो साल में तेरे पास सोने का मन नहीं किया, बताइए उसको जाके पूछिए ना रचना शर्मा को, तो तू कैसे बोल दिया तेरे को प्यार करती है। जिस आदमी ने तेरे को छोड़ के जाके शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, इतनी स्वीट स्वीट मोमेंट है, इतनी कुछ उस लड़की के लिए किया है, उस लड़की जो इसके प्यार में इंडिया आ गया है, तो बता कहाँ तेरे को प्यार किया, बताइए जाके रचना शर्मा को कहाँ प्यार के। नौटंकी तो सब लोग कर सकती है। आपने भी तो रचना को बताया था ना कि मेरे साथी मोहब्बत करते हैं, तो क्या देखिए मेरे उम्र से बहुत बड़ी है, मेरे मम्मी जैसा है, क्योंकि मम्मी का उम्र 50 साल है, उसका उम्र 47 है। अब बताइए मैं ऐसे गंदी बात कैसे बोल सकती हूँ उसको जो मेरे को बहुत प्यार के। अरे प्यार दिखाना चीज थोड़ी होती है, आप बताइए प्यार दिखाना चीज होती है। मैं भलाई मेरा उम्र कम है, मेरा पति से मैं कितनी प्यार करती हूँ ना, उसे तो मैं जानती हूँ और वो जानती है मैं उससे कितनी प्यार करती हूँ। प्यार दिखाना चीज नहीं होती है। अरे मैं यंग हूँ, मेरा पति मेरे पास क्यों नहीं आएगी, बताइए क्या कमी है मेरे पास जो मेरा पति मेरे साथ प्यार नहीं करेगी। वो तो ठीक है, पर रचना में भी क्या कमी है। हाँ, रचना से तो बहुत कमी है। एक आदमी सुने देख, एक लड़की पति जैसे भलाई ना रावत हो, बोलती है ना आपका हिंदू धर्म में रावण हो, बट पत्नी चाहती है सीता जैसा है, ऐसा तो हर एक पति का याद है। आप तो रचना वो सीता है क्या? तो अभी तो प्यार दिखा रही है क्योंकि सोनिया आ गया है ना, तो अभी तो बहुत सारा प्यार दिखाएगी क्योंकि सोनिया का एंटी हिंदुस्तान में हो गया है। अब हिंदुस्तान में रह लेगी तो पति थोड़ी उसके पास रहेगी, सोनिया के पास जरूर जाएगी। इसीलिए तो मेरा भगाने का चक्कर में, चाहे वो जितनी भी गोटी चले कोई काम होने वाला नहीं है। कैसे एंटर करोगे? देखिए कैसे दरवाजे जो बंद हो गए कैसे खुलेंगे? देखिए दरवाजा तो बंद है ही नहीं, क्योंकि मैं एडुकेटर हूँ, इसीलिए मैं कोई ऐसे सरक कर लड़की की तरह बिहेवियर नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए रचना को इतना मौका मिल गया। नहीं तो मैं सरक कर लड़की होती ना, अब तक तो जाके उसको भी खींच के मैं लेकर आती, जो छोड़ मेरा पति का घर, ये मेरा भी पति का घर है, मैं भी इधर रहूंगी, वो भी बहुत जल्दी मैं जाऊंगी पति के घर, आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, पति के घर भी जाऊंगी, पति के साथ भी रहूंगी। उम्मीद है पति स्वीकार भी करेंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं करेगी, मैं इतनी सुंदरी उसका बीवी है, थोड़ी छोड़ेगी। अब बताइए छोड़ना होती तो पहले ही छोड़ देती। आप लोगों को ही मैं बताना चाहती हूँ, छोड़ना होती तो उनका तो पहले ही छोड़ सकती थी, अभी क्यों छोड़ेगी, क्योंकि रचना शर्मा ने उसको गला दबा रही है इसीलिए। लेकिन वो तो गले पे हर वक्त हाथ रहेगा ना। हाँ वो तो कोई बात नहीं, जब सोनिया का एंटी हो जाएगी घर में, रचना का कोई एंटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके साथ इतना ही प्यार होती, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ। देखो तुम्हारा साथ भी गलत हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बट तुम जो जबरदस्ती कर रही हो ना, ये अपने आप मीडिया के सामने आ जाएगी, अपने आप लोगों को पता लग जाएगी, क्योंकि सच्चाई जितनी भी मिट्टी के नीचे रहे ना, सच्चाई सच सच ही होती है, वो बाहर आ ही जाएगी। तुमको छोड़ के उन्होंने शादी किया, जरूर तुम्हारे में कमी थी इसीलिए शादी कर लिया। अरे नहीं, उसमें क्या कमी हुई, तिवारी जी में कमी थी, उसकी आदत खराब थी तिवारी जी की। तो जिस लेडी को छोड़ के शादी किया, जरूर उसका भी कोई कमी है, उसका भी आदत खराब है ना, उसको क्यों क्या। अरे रचना शर्मा एक गवर्नमेंट टीचर है, वो शराब भी पीती है, अब बताइए शराब भी पीती है वो, क्या बताओ, वो दूसरी के पास भी जाती है, अब ऐसा रिश्ता है। ऐसे कैसे आरोप लगाएंगे? नहीं, कैसे कैसे आरोप नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं उसका सौतेन हूँ इसीलिए मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ नहीं है, मैं झूठ बोलूंगी ना 140 करोड़ हिंदुस्तान मेरे को देख रही है, सब आके मेरे को जूता पीटा कर दीजिए, उसको जस्ट करिए, रचना का आदत ऐसा नहीं है तो मेरे को आके जूता पीटा करिए, मेरे को जला दीजिए, जो करना है करिए, फिर भी जाके जांच करिए। उस लेडी ने शराब भी पीती है, वो लेडी नाइट क्लब भी जाती है, वो लेडी किसी और के साथ अवैध रिलेशन भी करती है, मेरा पति खुद बोला है सौरभ कांत तिवारी, मैं ऐसे ऐसे मैं आया हूँ इंडिया, बताइए, और मेरा पति खुद मेरे को बोला है, अब जांच करिए ना, हर एक चीज का जांच करिए, कहीं भी मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे आके 140 हिंदुस्तानी है तो मेरे को आके जला दीजिए, मैं इधर ही हूँ, नोएडा में ही हूँ, आके जला दीजिए। अगर वो कहे कि तुम हिंदू बन जाओ तुम्हें रख लेंगे तब? देखिए ये तो कहने का बात होती है, ऐसे थोड़ी बोलेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। रचना को डिवोर्स दे दे कि भाई रचना को पहले डिवोर्स दे दे, उसके बाद डिसाइड करूंगी क्या बनूंगी, ठीक है ना, रचना तो उसको डिवोर्स नहीं देगी,
उसको डिवोर्स देना होती तब तक दे देती। लेकिन लड़ते रहेंगे जब तक दम है आपके अंदर। नहीं देखिए, पहले तो रचना मेरा लेवल का है ही नहीं, उस जैसे घटिया मैं कभी नहीं बनूंगी। मैं एक पवित्र लड़की हूँ, पवित्र ही रहूंगी, और मेरा पति सौरभ कंत तिवारी सौरभ है, वो जिंदगी भर मेरे ही रहेगी। वो तो अगर नहीं मिल रहा तो फिर नई जिंदगी शुरू करने में दिक्कत। नहीं नहीं, मिलेगी तो जरूर मिलेगी। देखिए पहले तो प्यार है, प्यार से नहीं मिलेगी भाई, डंडा।